हाँ दोस्त, अपना यूट्यूब चैनल एस के ग्रुप मैथ प्रैक्टिस। एस के ग्रुप मैथ प्रैक्टिस में एसएससी जीडी यूपी पुलिस लेखपाल चकबंदी अमीन पटवारी इंडियन आर्मी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं एस के ग्रुप में मैथ का प्रैक्टिस कराया जाता है। आज का मोटिवेशनल आपको ऊर्जावान बनाएगा। वीडियो अंत तक देखें, अगर समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एवं कमेंट जरूर लिखें। आज का मोटिवेशनल क्या है? घर के दरवाजे पर घोड़े के नाल लगवाने से सफलता नहीं मिलती, सफलता पाने के लिए खुद के पैरों में घोड़े के जैसे नाल लगवानी पड़ती है। भाइयों, हमें ऐसे सफलता नहीं मिलती, हम घर बैठे हमें सफलता मिल जाएगी। हमें सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम कठिन मेहनत करना पड़ेगा, तभी हमें जाकर क्या सफलता मिलेगी, क्या है? घर के दरवाजे पर घोड़े के नाल लगवाने सफलता नहीं मिलती, सफलता पाने के लिए खुद के पैरों में घोड़ लगवानी पड़ती है, यानी घोड़े के जैसे नाल लगवानी पड़ती है। भाई हमें इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि माँ बाप के भी सपने पूरे हो जाए। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल पहला क्या कह रहा है? एक बल्लेबाज की 11 पारियों का औसत कुछ है। वह अपनी 12वीं पारी में 90 रन बनाता है, तो इसके औसत में 5 की वृद्धि हो तो सही औसत बताइए। देखिए क्या कह रहा है, हमने सूत्र बताया था ना, संख्या गुणते औसत बराबर क्या होता है? टोटल। देखिए क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज 11 पारियों का औसत कुछ है। 11 पारियों का औसत क्या बता रहा है? कुछ है। हमने क्या लिखा है? 11 गुणते, हमने कुछ भी मान लिया। कुछ मतलब क्या होता है? एक सवाई कुछ भी मान सकते हैं, जब गुणा करें कितना आ जाएगा? 11x। कितना? 11x। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि वह अपनी 12वीं पारी में यानी 90 रन बनाता है, तो उसके औसत में क्या हो रहा है? 5 की वृद्धि। अब क्या कह रहा है कि 12वीं पारी में कितना रन बना रहा है? 90। अब क्या उसके औसत में क्या हो रहा है? 5 की वृद्धि। तो हमने क्या किया? 5 जोड़ दिया, यानी 5 की वृद्धि बराबर देखिए क्या हो रहा है, 5x यानी कितना? 12x 5 से गुणा किया कितना आ गया? 12x। फिर प्लस 12×5=60 हमने उतारा। अब देखिए क्या किया, हमने घटा दिया। अब देखिए कितना है 12x, तो हमने 12x उतारा। प्लस कितना है? 60 है, तो हमने 60 उतारा। क्या घटाया? हमने 11x घटा दिया बराबर। कुल कितना 90 रन बना रहा है, यानी कुल कितना रन बना रहा है 12वीं पारी में? 90 रन बनाया। देखिए 12x में 11x घटा दिया तो 1x आ गया, ये 90 है। अब ये प्लस 60 है, इधर आया माइनस, x बराबर कितना आ गया? 60। x बराबर कितना आ गया? यही पूछ रहे सही औसत बताइए। सही औसत हमारा कितना आ गया? 30। कितना आ गया? 30। यही हमारा ट्रिक है, इससे हमें ऐसे सवाल लगाना है, हमें परीक्षा हाल में बैठना है, हमें अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। देखिए सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, 15 संख्याओं का औसत कितना है? 55। यदि एक संख्या निकाल दिया जाए तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। देखिए हमने क्या, बार बार आपको वही फार्मूला बता रहा हूँ, यही यानी संख्या गुणते क्या होता है, औसत बराबर क्या? टोटल। इसी सूत्र हमें हर बार लगाना है। देखिए क्या है, 15 संख्याओं का औसत कितना है? 55। हमने क्या लिखा? 15 गुणते 55 हमने गुणा किया। 15×75 की 5 हासिल लागम कितना? 7। 15×75 में 7 जोड़ दिया कितना आ गया? 82। कितना आ गया? 82। फिर आगे क्या कह रहा है, यदि एक संख्या निकाल दिया जाए। अब एक संख्या निकालने मतलब क्या है? 15 मगर हमें निकालने कितना हो जाएगा? 14। फिर देखिए क्या कह रहा है, यदि औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है, औसत में 1 की वृद्धि, अब क्या है औसत में, हम 1 जोड़ दें, 55×1=56 आ गया। अब देखिए गुणा किया, 14×6=84 की 4 हासिल कितना बच्चा? 8। 14×5=70 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 78। देखिए हम क्या किया, घटा दिया 15 में, यानी संख्या घटाना है, 15 में 14 घटा कितना बचा? 1। इधर देखिए हम घटा दिया, यानी 5 में से 4 ये कितना बचा? 1। उधार दिया 12, 12 में से 4 गया 8 गया कितना बचा? 4। यही हमारा क्या है औसत, यानी यही हमारा क्या
यानी औसत में एक की वृद्धि हो जाती है। ये हमारा ट्रिक है, ऐसे हमें हर बार परीक्षा में लगाना है। देखिए सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज के 10 पारियों का औसत 110 है। यदि एक पारी निकाल दिया जाए औसत में दो की कमी हो जाती है। देखिए फिर मैंने वही ट्रिक लगाया, यानी संख्या गुणते औसत बराबर क्या होता है टोटल। देखिए क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज के 10 पारियों का औसत कितना बता रहा है, 110। यानी 10 पारियों का औसत हमने क्या लिखा, 10 गुणते 110 बराबर कितना आ गया, 1100। फिर देखिए अगला क्या कह रहा है, यदि एक पारी निकाल दिया जाए यहाँ पे कितने 10 पारियों का औसत। अब क्या कह रहे हैं, एक पारी को निकाल दिया जाए, जब एक पारी को हम निकाल देंगे कितना हो जाएगा 9, 10 में एक पारी निकाल देंगे 9 पारी पर एक बचेगा। देखिए फिर अगला, फिर क्या कह रहा है, औसत में दो की कमी। अब फिर क्या कह रहा है, औसत में दो की कमी कर दे, यानी अब 110 में हम दो कमी कर देंगे कितना हो जाएगा 108। कितना 108, देखिए गुणा किया 9 8 72 9 आ गया। देखिए हमने क्या किया, अब घटा दिया 10 में 9 घटा देंगे एक पारी बचेगा। अब देखिए 1100 में, यानी 1100 में हमें कितना घटाना है 972 उधार दिया, ये इसको उधार दिया, फिर ये इसको, यानी 10 में से 2 गया कितना बचा 8, यहाँ पे 9 में से 7 गया कितना बचा 2, यहाँ पे 10 कितना बचा 1, यानी कितना बचा हमारा 128। देखिए हमें ऐसे ही लगाना है। देखिए ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा परिवर्तन का इसलिए सफर जारी है। देखिए अगला सवाल नंबर अगला हमारा क्या कह रहा है, 15 संख्याओं का औसत 75 है। यदि 65 तथा 70 दो संख्या निकालने के बाद शेष संख्याओं का औसत बताना है। देखिए हमने क्या लगाया, संख्या गुणते औसत बराबर क्या होता है टोटल। देखिए क्या कह रहा है, 15 संख्याओं का औसत कितना है 75, कितना 75 हमने गुणा किया, जब ये दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा 1125, कितना आएगा 1125। देखिए कर लेते हैं गुणा, नहीं 75 में 15 से गुणा, यानी 15 75 की 5 हासिल लागम 7, 15 7 105 में हमने 7 जोड़ा, यानी 7 5 12, यानी 1 कितना आ गया 1125, कितना आ गया 1125। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि 65 तथा 70 दो संख्या निकाल लें हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पे दो संख्या, फिर क्या कह रहा है, यदि 65 और हमने क्या लिखा 70 दो संख्या निकाल रहा। अब देखिए ऐसे उतार ले 11 25, इस दोनों को जोड़ा कितना आ गया 5 7 6 13, कितना आ गया 135। अब देखिए इसे घटा दिया, यानी कितना आ गया हमारा 13, अब इसे घटाएं कितना आ जाएगा 0, उधार दिया 12 में से 3 गया कितना बचा 9, यहाँ पे कितना बचा 10, यानी कितना बचा 10, 10 में से 1 गया कितना बचा 9, कितना बचा 9। देखिए क्या कह रहा है, हमारा कितना बचा, जब 15 संख्या में हमने दो संख्या निकाल दी कितना बचा 13, उसके बाद क्या 65 तथा 70 निकाल रहा हूँ, इस दोनों को हमें जोड़ लेना है, फिर इस दोनों को हमें क्या करना है घटा देना है। अब देखिए कितना आया 990, हम यहाँ पे कितना संख्या बचा है 13, अब भाग कर देना है, चाहे हमें ऐसे छोड़ दें, अब चाहे हम भाग करके लिख लें दशमलव में, क्या है हमने 13 से भाग किया, 13 7 91, कितना बचा 8 बचा, 0 उतारा, 13 6
78, तिरछन 78, कितना बचा तो दशमलव उतारा 13 × 9, 13 अगर भाग करेंगे कितना आ जाएगा 76.1। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज के 10 पारियों का औसत निश्चित है। यदि 90 रन की पारी को निकाल दिया जाए तो औसत में एक की कमी हो जाती है। देखिए हमारा क्या सवाल कह रहा है, हमें वही बार बार टिक लगा रहा हूँ। देखिए संख्या गुणते औसत बराबर होता है टोटल। देखिए एक बल्लेबाज की 10 पारियों का औसत क्या बता रहे हैं, निश्चित है। हमने क्या लिखा, 10 गुणते हमने क्या माना, एक्स कुछ भी मान सकते हो, एक्स के स्थान पे ए बी सी डी कुछ भी, बराबर कितना हो गया 10x, कितना 10x। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि 90 रन की पारी को निकाल दिया जाए, तो औसत में एक की कमी हो जाती है, देखिए क्या कह रहा है, यदि 90 रन की पारी को निकाल दिया जाए, जब हम 90 रन की पारी को निकाल देंगे हमें कितना, जब एक पारी को निकालेंगे देखिए हमारा कितना बचेगा 9, कितना बचा 9। अब देखिए क्या कह रहा है, फिर यदि औसत में क्या कह रहा है, एक की कमी कर दें तो औसत हमें एक कम कर दिया, बराबर कितना 9×9 9x, माइनस है तो माइनस 9×9 9। देखिए अब क्या कह रहा है, यानी हमने 10x उतारा, दोनों को घटा देना है, जब घटाएंगे 9x माइनस कितना 9, कितना 90 रन की पारी को निकाल दे रहा है। देखिए हमने 10x उतारा माइनस प्लस माइनस 9x, कितना 9x माइनस माइनस प्लस कितना बचा 9, बराबर कितना 90। देखिए 10x में 9x घटाएं कितना x बचेगा 1x, बराबर 90, 9 प्लस उधर माइनस, यानी x बराबर कितना आ गया 81, x बराबर कितना आ गया 81। ऐसे हमें लगाना है, हमें अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, हमें अपने मंजिल तक पहुंचना है। हमारा मंजिल कहाँ है, मंजिल ने हौसलों से कहा जा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। देखिए सवाल नंबर हमारा अगला क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो व्यक्ति की औसत चाल बताइए। क्या कह रहा है, व्यक्ति की औसत चाल, यानी जब व्यक्ति की औसत चाल पूछे तो हमने सूत्र बताया है 2ab / कितना a plus b। देखिए क्या कह रहा है, हमने इसे a माना, इसे हमें a माना, इसे क्या माना b माना, यानी पहली चाल को हमने 10 माना, फिर यानी पहली चाल को हमने a माना, फिर दूसरी चाल को क्या माना b, यानी कितनी चाल है, जब दो चाल है तो हमने यहाँ पे कितना लिखा है 2। देखिए हमने 2 उतारा, गुणा के चिन्ह यहाँ पे कितना है a, एक की चाल कितना है 10, फिर यहाँ पे बी है, बी कितना माना है 20, हमने 20 उतारा। नीचे देखिए ए प्लस बी है, हमने क्या किया दोनों को जोड़ लिया, यानी 10 प्लस कितना होता है 3, यानी 10 प्लस 20। अब देखिए क्या कह रहा है, हमने उतारा, यानी 2 उतारा 10 उतारा, फिर कितना उतारा 20, इसमें जोड़ लिए कितना आ गया 30, 10 में 20 जोड़े कितना आ गया 30, हमने एक जीरो से जीरो काटा कितना गया 20 दुनिया 40, नीचे कितना है 3। अब हम भाग कर देंगे, देखिए जब भाग करेंगे कितना आएगा, जब भाग करेंगे देखिए 3×9 3 3×9 3। अब देखिए हमारा कितना बचा 1 0 3 3×9, फिर हमने कितना घटा 1, दशमलव बढ़ाया, फिर कितना 0 3×9, जब हमने काटा कितना आ गया 13.3, यानी 13.3 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए हमें अब दूसरा तरीका कैसे लगाना है, ये हमारा पहला ट्रिक था, अब दूसरा ट्रिक देखिए कैसे लगाना है। हमने कितना माना x/a, फिर प्लस कितना x/b, बराबर अगर दो व्यक्ति रहेंगे, यानी अगर दो चाल होगा तो हमें 2 लेना है, अगर 3 चाल है तो हमें बराबर में 3, अगर बराबर 4 चाल है तो हमें बराबर में 4 लेना है, यानी यहाँ पे कितनी चाल है 2 चाल है, हमने कितना माना है इसे 2। अब देखिए यहाँ पे कितना है, हमने x ऊपर उतारा, नीचे यहाँ पे कितना है,
देखिए यहाँ पे ए है, ए को हमने क्या माना है 10 किलोमीटर, क्या माना है 10 किलोमीटर। देखिए देखिए यहाँ पे कितना है, एक्स बटे ए प्लस एक्स बटे बी बराबर दो, दो चाल इसलिए बराबर में दो, अगर तीन चाल होता बराबर में तीन। देखिए क्या कह रहा है, हमने एक्स उतारा, यहाँ पे ए है, ए को कितना माना है 10, फिर प्लस यहाँ पे बी है, यहाँ पे पहले ऊपर एक्स उतारा, नीचे बी है, बी को कितना माना है 20 बराबर कितना 2। नीचे देखिए एलसीएम कितना आएगा 60, दशम 60 छह बार गया, ऊपर हमने उगला किया कितना गया 6x, फिर 20 60 तीन बार कितना गया 3x बराबर कितना है 2 हमने उतारा। नीचे एक अब देख लीजिए, इसे पहले जोड़ा कितना आ गया 9x, नीचे कितना है 60 बराबर कितना 2/1। अब देखिए कितना क्रॉस गुणा करेंगे, 9 9 9x 60 2 120। अब देखिए हमने भाग किया, हमने भाग करेंगे, x बराबर देखिए कट रहा है 3 3 9 3 4 12 यानी कितना गया 3x = 40। जब भाग करेंगे x बराबर कितना आ गया 13.3, कितना 13.3। देखिए हमारा दोनों ट्रिक से आ रहा है, जब तीन चाल होगा या चार चाल होगा तब हमें ऐसे लगाना होगा, हमें ट्रिक यानी हमें सूत्र में नहीं लगाना होगा, उसमें क्या है हमारा गुणा भाग ज्यादा होगा, कैलकुलेशन ज्यादा होगा। देखिए सवाल नंबर हमारा अगला क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण यात्रा 3 बराबर भागों में विभाजित करता है, यदि प्रथम दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा तीसरी दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो व्यक्ति की औसत चाल बताइए, देखिए हमने सूत्र पहला क्या बताया, यानी पहला ट्रिक क्या बताया है 3AB यानी 3ABC बटे कितना AB प्लस BC प्लस कितना CA, हमने ये एक ट्रिक बताया है, देखिए क्या कह रहा है, 3 बराबर दूरियां है ना, इसलिए यहाँ पे कितना रखा है 3। अब देखिए हमने पहले दूरी को A माना, पहले दूरी को A, दूसरी दूरी को B, फिर तीसरी दूरी को हमने क्या माना C, हमने यहाँ पे रखा 3 है तो 3, यहाँ पे A है, A कितना माना है 12, यानी A कितना रखा माना है 10, एक कितना माना है 10, फिर यहाँ पे बी है, बी कितना माना है 12, फिर यहाँ पे सी है, सी को कितना माना है 15, बट यहाँ पे ए बी है, ए बी मतलब क्या होता है यानी 10 × 12, हमने कितना लिखा 10 × 12, फिर प्लस यहाँ पे बी सी है, बी सी हमारा कितना यानी बी हमारा कितना है 12, फिर यहाँ पे सी कितना है 15, फिर देखिए प्लस यहाँ पे हमने क्या उतारा CA, लास्ट में क्या है CA, C का मान कितना है 15, A का मान कितना है 10। देखिए फिर हमने ऊपर ऐसे उतारा 3 × 10 × 12 × 15, नीचे कितना इस दोनों का गुणा किया कितना 120, फिर इस दोनों का गुणा किया कितना 180, फिर प्लस इस दोनों का गुणा किया कितना 150। हमने ऊपर ऐसे उतारा 10 × 12 × 15, नीचे कितना सबको जोड़े कितना जगह 450। देखिए हमने एक जीरो से जीरो काटा, 15 3 42, अब 3 3 से काटा कितना बचा हमारा 12, यानी क्या है यही व्यक्ति की औसत चाल है, यही व्यक्ति की औसत चाल क्या है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर हमें ऐसे नहीं लगाना है, हमें परीक्षा हाल में बैठना है, हमें अपने माँ बाप के सपनों को पूरे करना है। देखिए हमें कैसे हमें ट्रिक पे लगाना है, हमें दूसरा तरीका लगाना है, हमें देखिए ऐसे नहीं लगाना है। देखिए हमें अगला ट्रिक कैसे लगाना है, कितना जल्दी हमारा आंसर आता है। देखिए क्या माना हमने x बटे a प्लस x बटे b, फिर प्लस x बटे c बराबर 3। हमने बताया अगर 3 बराबर दूरियां होगी 3 होगा बराबर में, अगर 4 बराबर दूरियां होगा तो हमें क्या लिखना है बराबर में 4। देखिए हमें क्या लगाना है, यहाँ पे हमने x है तो हमने x उतारा, यहाँ पे a है, a का मान कितना, a का कितना माना है 10, हमने 10 उतारा, फिर प्लस x उतारा, यहाँ पे b है, b को हमने कितना माना है 12, फिर प्लस c, हमने x उतारा ऊपर, फिर यहाँ पे c है, c को कितना माना है 15 बराबर कितना 3।
तीन बराबर दूरियां हैं, इसलिए बराबर में कितना लिखा है, तीन। हमने लाइन पढ़ा यानी 10, 12, 15 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 60। अगर नहीं आ रहा है, देखिए 10, 12, 15 यानी कितना, 2 5 10, 2 6 12, 15 नहीं कटेगा, 15 उतारा। फिर देखिए 5 नहीं 2 3 6 15, अब यह हमने 3 से काटा, 5 3 91 3 3 5 15, हमने 5 2 3 4 3 12 5, यहाँ पे 60 आ गया एलसीएम। देखिए अब हमें क्या करना है, यानी अब हमको जो हर है, हर में यानी लासा में हर से भाग देना है, जो भाग फल आएगा अंश में गुणा करना होगा, यानी 10 6 60, 10 6 60 छः बार गया ऊपर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 6x, कितना 6x। अब इसका नंबर है 12 5 60, 5 बार गया ऊपर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 5x। 15 4 60, 4 बार गया तो ऊपर गुणा किया कितना आ गया, 4x, बराबर कितना है 3, बराबर कितना है 3। देखिए आगे यानी कितना, 6 4 10, 6 4 10 5, यानी देखिए 11, यानी 6 में 4 5 जोड़े, 6 4 जोड़ ले, 6 5 11, 11 4 15, यक्ष है तो यक्ष द्वारा नीचे कितना है 60, बराबर कितना है 3, देखिए 15 चौका 60, ऊपर एक्स बचा, यानी 15 चौका 60, ऊपर एक्स बचा नीचे 4, नीचे कितना बचा 4 बराबर 3 1, यक्ष करना में यक्ष 4 3 12। देखिए हमारा इसे कितना जल्दी आंसर आ रहा है हमें। अगर भाइयों वीडियो समझ में आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एवं कमेंट जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।